मेरा नाम लवसम है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जय किशनपुरा मेरी स्कूल है। सर, आज मेरे नाना जी मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, एक कहानी सुना। मैंने बुद्धिमान खरगोश की कहानी सुनाई। मेरे नाना जी ने मुझे कहानी सुनकर 50 रुपये दिए। ऐसे कहा कि तेरी कहानी बहुत अच्छी थी, वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाता चाहता हूँ। किसी वन में एक बासुरक नाम का सिंह रहता था। वो अन्य प्राणियों को मारा करता था। एक दिन सभी जीव जंतु मिलकर बासुरक सिंह के पास पहुंचे। सिंह ने बोला, तुम क्यों आए यापुर? जीव जंतु ने बोला, महाराज, आपका आहार तो एक प्राणियों से ही हो सक जाता है। आपको जीव जंतु को मारने से क्या लाभ होगा? इसलिए आपके पास रोजाना एक एक प्राणी आया करेगा। कुछ समय बाद एक खरगोश की बारी आई। खरगोश जा रहा था मौत के भय से उसके पैर कांप रहे थे। खरगोश जंगल में इधर उधर भटकता रहा। खरगोश को एक कुआं दिखाई दिया। खरगोश को उसके मन में एक विचार आया कि बासुरक को इसमें डाल कर, क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए बासुरक ने अपनी आंखें लाल कर होंठ चाट रहा था भूख के मारे। खरगोश वहां आ गया। बासुरक ने बोला, खरगोश तुम इतने छोटे हो, फिर भी इतने समय बाद क्यों आए? खरगोश ने बोला, महाराज, मेरे आने का कारण तो पहले पूछ लीजिए। महाराज बोला, क्या हुआ? खरगोश बोला, महाराज, मेरे साथ 4 खरगोश और आ रहे थे। एक कुएं में एक बासुरक एक सिंह और था। उसने 4 खरगोशों को मार दिया और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। आप जल्दी चलिए, उस सिंह को मार दीजिए। खरगोश उस कुएं के पास ले गया बासुरक सिंह को। बासुरक की सिंह को अपनी परछाई दिखाकर कुएं में डाल दिया। बासुरक मुझे बचाओ ऐसे बोल रहा था, जितने में वो मर गया। आप सभी भी ऐसी कहानी सुना सकते हो ना? सब सुना सकते हो?